तो गाइज मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे बीच के बाहर बैठी। एंड गाइज आप भी देखो समुद्र कितना पास लग रहा है। तो गाइज हम अपने ट्रेन वाले कपड़ों में ही जा रहे हैं। हाय गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रितेश मेहरा व्लॉग्स और मैं हूँ रिचा। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। कल के व्लॉग में तो आपने देखा ही था कि हम जगन्नाथ पुरी पहुँच चुके हैं और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम ट्रेन से नीचे नहीं उतर रहे थे। फिर जैसे ही बारिश थोड़ी सी बंद हुई हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से बाहर। फिर बाहर निकलकर हमें करना था ऑटो या ई रिक्शा होटल तक के जाने के लिए। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं होटल सर्च करने के लिए क्योंकि हम बुकिंग करा के नहीं आए थे और हम पहुँच चुके हैं जगन्नाथ। यहाँ पर है पूरा बारिश वाला मौसम तो अभी तो बारिश बंद हो चुकी है लेकिन बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ सा हो गया है। फाइनली हम पूरी पहुँच गए। हम लोगों का सबसे हैप्पी प्लेस है पूरी। कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइज मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे बीच के बाहर बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हैं होटल सर्च करने के लिए। न्यू ईयर के टाइम पे हम 2 साल पहले यहाँ पर आए थे पूरी, तो जिस होटल पे रुके हुए थे तो उसी होटल पे मेरे हस्बैंड पता करने गए हैं। अगर वहाँ का रूम खाली होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ पर रुके हुए थे। वो भी होटल बीच से ज़्यादा दूर नहीं है, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो गाइज अभी हो रहा 11 बजे का टाइम और हमने सिर्फ चाय और बिस्किट खाई थी तो हमें तो बहुत तेज़ से भूख लग रही है। तो अभी कुछ खाते हैं उसके बाद होटल पे जाते हैं। तो जिस होटल पे हम पहले रुके हुए थे ना तो वहाँ पे गैलरी वाला बुक है, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं हम गैलरी वाला ही होटल लेंगे। तो देखते हैं अब दूसरा होटल मिल जाए। जब पहले आए थे तो हम गैलरी वाले रूम पे रुके हुए थे तो वहाँ से बीच दिखता था तो बहुत अच्छा लगता था। अब देखते हैं कि गैलरी वाला होटल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बट सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। फिर हमने जल्दी से खा लिया। तो गाइज हमें मिल गया है रूम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बट इसका जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका व्यू कैसा है। तो फिलहाल तो मैं आपको रूम दिखा दूँ। ये है कुछ इस तरीके का रूम। यहाँ पे 2 चेयर है, यहाँ पे है वॉशरूम, डोर, और यहाँ पे है सबसे मेन हमारा व्यू। और आप ये देखिए ये है हमारे रूम का व्यू। आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे है समुद्र, सिर्फ इतना गली का बस डिस्टेंस है। बाकी होटल हमें ठीक ठाक मिल गया है। बीच के एकदम पास होने के कारण इस होटल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हम जितने भी होटल्स पे रुकते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा इसका कॉस्ट है, बट होटल का रूम उतना अच्छा नहीं है। वैसे भी हम घूमने के लिए आए हैं, बीच के पास आए हैं, गैलरी का व्यू तो बहुत ही अच्छा है, तो ज़्यादातर टाइम हमारा यहीं निकलेगा। एंड गाइस आप भी देखो समुद्र कितना पास लग रहा है। हम
थोड़ी देर में जाने वाले हैं बीच पे नहाने के लिए। आज है हमारी एनिवर्सरी, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो गाइज हम अपने ट्रेन वाले कपड़ों में ही जा रहे हैं समुद्र में नहाने के लिए। तो समुद्र का तो ब्लॉग आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो नहीं मालूम, बट अभी हम जा रहे हैं।